नमस्ते, स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो ये है हम लोगों की पूरी टीम, पूरी फैमिली। तो हम लोग बस जंगल जंगल खेल रहे हैं। अब डायरेक्ट हम लोग अफ्रीका के जंगल में आ गए हैं यहाँ दोस्तों, और इस जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, बस फल फ्रूट मिलेगा। और इधर देखिए अफ्रीका के जंगल में था, पूरी उड़ी मिल रहा था। इस जंगल में नहीं मिल रहा, उस जंगल में मिला था। और देखिए भैया का गेटअप हमारे देख लीजिए। तो अफ्रीका के जंगल में आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा, वही केला सेब यही सब मिलेगा, यही सब खाओ करके जीवन यापन करना है हम लोगों को। और वहाँ पे जो आदिमानव जनजाति पाए जाते हैं उन्हीं लोगों का धीरे धीरे रूप हम लोग भी धारण कर लेंगे, फिर छाल ओल का वस्त्र पहन कर घूमेंगे ना भाभी। वाओ कितना अच्छा लगा। वीडियो ऐसा चलेगा लेकिन मोबाइल हम लोगों के पास रहेगा तब भी, और हम लोग वीडियो में सब कुछ चेंज कर देंगे लेकिन मोबाइल नहीं चेंज करेंगे। और इसके बाद वीडियो जो है ऐसा गर्दा बचाएंगे हम लोग, ऐसा गर्दा बचाएंगे कि देखने वाले बस देखते रह जाएंगे, कहेंगे वो माई गॉड ये रजनी भाभी है क्या। बंद करिए थोड़ा दिमाग में सोचे स्टोरी, ये स्टोरी इतना स्टोरी लिखा गया फिर भी इनको सोचना पड़ रहा है। वैसे तो जब हम लोग सोचने के लिए कहते हैं तब ये सोचने वाला झटपट में हो जाता है तो ये सोचती नहीं है, लेकिन अभी झटपट सोच रही हैं। और जब कोई भी काम झटपट में सोचा जाता है तो सोच लीजिए कितना वो झटपट होता है। तो इधर देखिए, इधर चारों तरफ इधर ये झोपड़ी है और इधर ये सिमरन है। तो सिमरन जी क्या कहना चाहती हैं, आपको कैसा लग रहा है इस झोपड़ी में आकर के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी झोपड़ी में रहेंगे। देखिए ये झोपड़ी है और इस ये झोपड़ी जो है अभी किराए पे दो दिन के लिए भैया लिए हुए हैं, और यहीं पर हम लोग शूटिंग करेंगे और जो है बहुत मस्त शूटिंग होगा यहाँ पर, इसीलिए इसको किराए पर लिए हुए हैं। और हम लोग यहीं पर रहेंगे और सारी व्यवस्था यहीं पर, इधर छोटा वाला गैस वैस ला करके यहीं पर खाना वाना बनाया जाएगा और रहा जाएगा। और इस जंगलों में पेड़ों के पास वीडियो शूट किया जाएगा दोस्तों, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बस स्टोरी वीडियो भी देखिएगा और बाकी जो होता है स्टोरी के जरिए घटनाएं हम आप लोगों को ब्लॉगिंग के जरिए बताते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब ये हम लोग सोच रहे हैं कि किधर गैस रखा जाए, किधर हम लोग जैसे मान लीजिए अब हम लोग उतने बड़े घर में भैया रहे थे तो यहाँ आए हम लोग, कहे भैया ये कि सोने वाला है तो क्या, तो कहे कि ये जो चारपाई है इसको निकाल दिया जाएगा, इसको यहाँ दरवाजे पर रात में लगा दिया जाएगा और नीचे जो है पुआल उआल बिछा करके सोया जाएगा। तो दो दिन हम लोग का बहुत कष्टमय बीतने वाला है, और कष्टमय बीतने वाला है क्योंकि अब यहीं पर रहना है सब लोग, क्या बताएं। अब आप लोग जानिए कि मतलब इस झोपड़ी में रहने कैसा लगेगा, आप लोगों को हम दूर से दिखाते हैं। ये देखिए कैसे है, और ये जो भाई गई दिख रहा है इसी से हम लोग आए हुए हैं। और जो है अब चलिए भाई भाभी से बताते हैं। झोपड़ी में हम लोग आज से रहेंगे ना भाभी, स्टोरी शूट करेंगे ना। अब दोस्तों हम लोग इसी झोपड़ी में रहने वाले हैं और पुआल डाल करके खाना बनाएंगे, बिछा कर वहीं सोएंगे और गैस चूल्हे पर खाना बनेगा। और जो एक ये है भैया जी, ये है जुगाड़ू लाल, ये जब किचन का दरवाजा बना सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं सॉरी। और आज भैया इसीलिए यहाँ पर आए हैं तो लुंगी और बंडी पहन के बैठे हुए। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और जो कि हम भैया ये सब लोग मिलके लिखते हैं। और तब भैया अब इस बगीचे में हम लोग इस कुटिया में रहेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे लग रहा वनवास जब सीता जी आई थी वैसे ही हम लोग आए हुए हैं। अब दो दिन यहीं पर रहना है और हम तो हैं वो क्या बोलते हैं रावण। अच्छा आप रावण हैं, मतलब हम किसी के आईडी पे जाते हैं तो उनका फॉलोअर रुक जाता है। ओ ऐसा कौन बोलता, कौन करम जली है जो खोलती है? पहले मंटू दीदी क्या क्या पता, देखिएगा आपके आपके चैनल पे आपका चैनल फॉलोअर ना रुके। कौन करम जली है जो ऐसा कहती है भाभी? गोदानवा अभी कब लिखवाई है भैया के नाम, जो गोदाना गोद रही है वो पेन से इनको पेन मिल जाए तो बस भैया हाय भैया वही के ये एक पेन से लेकर के जिंदगी तक भैया पीछा नहीं है एकदम दिमाग। इनसे प्यार करते थे तभी का लिखाए हैं। हाँ सही भाभी, बुड्ढी थी बेचारी। हाँ दोस्तों देखिए कितना मस्त लिखाया हुआ तब भी, अब मान लीजिए छोटी थी ना तो स्किन जब फैला बड़ी हुई बतावा दोस्तों। ये भी देखिए प्रेम था भाभी का हमारे कि जब शुरू शुरू थी तभी ये दिल बनवाई थी। बोले कि हम गोदाना गोदाने जा रहे हैं आपके नाम से, तो बोले नहीं गोदाना हम सोचेंगे भैया की दर्द होगा क्या करें। रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द शूट किया जाए ताकि हम लोग को मौका मिले जल्द से जल्द शॉर्ट वीडियो बनाए हम लोग। चूली लगे हम कुछ करो।
भरा पूरा सीन है, तो इसीलिए भैया यहाँ पे किराए पे लिए हुए हैं कि मतलब जो है बनाने में स्टोरी शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ चाहे वहाँ लोकेशन यहाँ बहुत अच्छा है तो इसीलिए लिए हुए हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने पे, लेकिन बस बनाने खाने थोड़ी सुविधाएँ, भाई घर जैसी तो नहीं रहेंगे, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे सीता जी को वनवास रामचंद्र जी लेकर गए थे और कुटिया बनाए थे, सेम वही हालत भैया और भाभी का है, दोनों लोग कुटिया लिए हुए हैं किराए पर और इसी किराए के घर में ये लोग रहेंगे। और जो है उधर सीता जी जा रही हैं वनवास में, फल वल के खोज में निकली हुई हैं, और इसीलिए झोपड़िया किराए पर लिया गया है दोस्तों, कि जहाँ चाहे वहाँ सीता जो है भरभड़ करे जंगलों में, और हम लोग पीछे पीछे सेनापति की तरह माँ सीते माँ करते हुए चले। और देखिए यहाँ पर एक और कुटिया का खोज कर लिया गया है, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक ऑफ वाओ। तो दोस्तों ये जी जो है देखिए यहाँ पर एक और लोग हैं, तो यहीं पे सूट होगा भाभी। तो दोस्तों फाइनली अपनी कुटिया छोड़कर दूसरे की कुटिया में आ गई हैं, ओ माय गॉड। और देखिए आप लोग यहाँ भी चारों तरफ मतलब बहुत अच्छा हुआ है, इधर देखिए पूरी हमारी टीम आ रही। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ से एक सब पूरा बगीचा है, और इस बगीचे में फल वल लगते हैं, सेब वेब भी लगे हैं, सेब वेब के पेड़ भी बहुत ज्यादा सेब लटका हुआ है, और हम लोग सीता मैया के लिए यहीं से तोड़कर फल लेकर जाएंगे और खिलाएंगे, भाई जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो चाहिए तो यही सही। और ये है हमारी सीता मैया, सीता मैया बोलो बच्चा। तो हमारी सीता मैया है दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं सच में, मतलब भले ही दोस्तों। तो जानी अभी अभी जंगल में देखिए, ये जो भाभी हैं इनको तो आप लोग पहचान ही रहेंगे, वायरल भाभी की तरह है। तो ये दोस्तों बहुत दुख की बात है, कल मिले थे हम लोग, फूले नहीं समा रहे थे, इतना मस्ती किए भाभी ने, खूब मस्ती, बहुत अच्छा लगा। अब अंगीरा भाभी बहुत अच्छा लगा ना, हाँ रात में बहुत मजा आया हम लोग, भाभी को हम लोग वीडियो एडिटिंग करना सब सिखा रहे थे, खूब बिस्तर में अंधेरे में वीडियो बना रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अपलोड तो करना ना था नहीं, तो इसीलिए हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे दोस्तों। अभी कह रही है की हम जाते फिर मिलो, कब? अगले दिने परसों, कल आएंगी सही में, हमारे कसम खा ना, हमारे कसम खा नहीं आएंगे, मतलब किसी दिन और आएंगे, आप नहीं पर आएंगे, पक्का आएंगी ना थंबनेल के लिए, प्लीज मुंडू भाई, तो जब होली बात कह रहे थे तब आएंगी ना, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बहुत मस्ती किए, हम भी पहली बार भाभी से, लेकिन अपना बहुत अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा, हाँ इतना अपना पन लगा कि मतलब जाएंगे तो बहुत जाने का मन नहीं कर रहा, एकदम इनको बहुत ज्यादा हम लोग मिस करेंगे। और क्या उधर भैया देखिए बैठे हुए हैं, भैया के बगल में इधर, तो भैया और ये सब लोग चले जाएंगे आज, और जो है कुछ काम वाम है बहुत जरूरी, हम लोग भी तब भी रोक रहे हैं, वो क्या है ना कि हम लोग काम वाम से थोड़ा मतलब बस सकी सकी मतलब है, हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन भैया कह रहे हैं कि नहीं काम है, तो अब भैया आज चले जाएंगे, अच्छा नहीं, कल हम लोग इसी टाइम साथ में मस्ती करते हुए आए थे, आ रहे थे रास्ते में बाइक पर बैठ कर, और ढेर सारा मस्ती किए थे, लेकिन आज इसी टाइम ठीक बिना में धूप जाएंगे भाभी के अपने, इसी टाइम जा भी रहे हैं, हाँ इसी टाइम जा रहे हैं, इनको आए भाभी को 24 घंटे हो गए पूरे, ये 24 घंटा पूरा करने आई थी दोस्तों। और तब भैया भाभी को लेके जाने कब आएंगे फिर? राधे राधे राधे, नमस्ते प्रणाम, अभी चल रहे हैं घर, कब लेकर आएंगे फिर भाभी को? जल्दी आएंगे, जल्दी का डेट दे दीजिए, दो चार पाँच दिन में आएंगे इधर, तो सच्ची तो भाभी को लेके आइएगा, हाँ। तो दोस्तों भैया वादा किया है, और आप लोगों के सामने हमारे सखी चाह बना रहे हैं, तो हम वीडियो पे पड़ेगा और चार पाँच दिन बाद हम लोग इंतजार करेंगे, तो अब सारी टीम चल रही कुटिया में, क्योंकि कुटिया में चाय बन चुका है, और देखते हैं कि चाय कैसे बनाई है, शबनम जी कुटिया में है बाबू को लेकर के। तो दोस्तों यही सब है, अब चल रहे हैं चाय पियेंगे, यहाँ पर छोटा वाला गैस आकर रखा हुआ है, अब हम लोग यहीं पर जैसा कि रहने वाले हैं, तो अब इसी झोपड़ी में रहेंगे और दो दिन स्टोरी जबरदस्त बनाएंगे, इसके बाद फिर अपने घर निकल लेंगे। तो किराए पर नहीं लिए हैं, लेकिन ये बात है कि हम लोग यहीं रहेंगे, और जो है वीडियो स्टोरी वीडियो बनाएंगे, इसके बाद जो है सब कुछ करेंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। और दोस्तों अंगीरा भाभी जा रही हैं, उनको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से बात उत कर रही थी, उनके साथ हम लोग खूब मस्ती किए हैं, और वो आज चली जाएंगी, क्योंकि कल ही आई थी, बस एक ही दिन थी, और फाइनली आज जा भी रही हैं, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है और कुछ काम भी है भैया को, तो जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए जा रही हैं।
इसलिए हम लोग रुक रहे हैं तो नहीं रुक रहे, अगर काम नहीं होता तो रुक जाती, लेकिन कभी कभी काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो इसीलिए जा रहे हैं सब लोग। और इधर देखिए भैया बार बार बात भी कर रहे हैं, बुलावा आ रहा है। तो जो है अभी जस्ट निकलेंगे हम लोग यहाँ से, चल रहे हैं चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी हम चल रहे कपड़ा भी बदलेंगे। ये जो बड़की काकी वाला जो ड्रेस अप पहन के घूम रहे हैं ना, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों हमको। सुबह का सब लोग पहनाए हैं और शाम हो गई है। हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी किया जा रहा है कि हम क्या बताएं। साड़ी पहन के चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ये लोग अभी से हमें सुबह से शाम तक साड़ी पहना के राउंडिंग राउंडिंग मरवाते हैं, स्टोरी वीडियो शूट कर इस जंगल झाड़ी वन पतझड़ में, अब हम क्या बताएं। तो दोस्तों अब चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर कुछ मुझसे गलत निकला हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।